मैं बताओ कि भैया का कुछ पता चला है? कुछ बोलने के लिए आई नहीं, कि कहाँ उन्हें खराब होगी है मेरी दादी की उल्टियाँ, उल्टियाँ इतनी लगी भैया। सुहागनों के मैं विधवा बन जाऊँ, ना मैं मांग भरूँ, ना मैं बिंदी लगाऊँ, ना मैं चूड़ी। पैसे मेरे पति है, जैसे मेरी फैमिली है वैसे ही आप लोग मेरे लिए हो। राम राम जी। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे यार, हम भी ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हमें बताओ कि भैया का कुछ पता चला है। तो भाई अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है, ना उनका कोई फ़ोन आया है, ना ही पता चला है। और आज तो हमने गुन्नू को, जो मेरा बेटा है, बड़ा बेटा, उसको भी बड़ी मुश्किल से स्कूल में भेजा है। और फिर मम्मी भी बाहर गई हुई है पंडित के पास उनका पत्रा दिखाने। मेरे चाची और बोल रहे थे भाई चलो कुछ घर का भी दिखा दो, ऐसा कहीं हो जाता है कि घर का ही हो, कुछ बिगड़ा हुआ, ऐसे ही उनको परेशान कर रहा हो। तो मेरी मम्मी गई हुई है पंडित के पास, मेरी चाची ले गई थी उनको। और मेरी दादी भाई कल रात की, मेरी दादी को इतनी ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब हो गई है मेरी दादी की, उल्टियाँ उल्टियाँ इतनी लगी भाई। उम्र भी हो गई है मेरी दादी को, और इतनी बड़ी बात हो गई, घर में इतनी टेंशन हो रही है मेरी दादी को कि पूछो ही मत। तो हमने दादी को समझाया कि दादी वो आ जाएंगे, आप टेंशन नहीं लो। ऐसा नहीं है भाई कि वो हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए हैं, थोड़े परेशान से थे वो, तो थोड़े दिन बाद उनका मन ठीक हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी वो आ जाएंगे। हमारे पास दो दो बच्चे हैं उनके, मैं हूँ, इतने दूर से आई हूँ, तो हमें छोड़ के कहीं थोड़ी जा सकते हैं हम। तो बस हमने तो सब कुछ अब माता रानी के पर छोड़ दिया है कि माता रानी करेगी जो भी करेगी। अब जल्दी से जल्दी उनको हमारे पास भेज दो, और जो भी उनके मन में परेशानी है हमसे बात करे। वो कहाँ चले गए, हम तो इतने परेशान हो रहे हैं कि पूछो ही मत। 3-4 दिन हो गए कि कहाँ गए बिना बताए, कम से कम फ़ोन तो ले जाते, हमारी बात ही हो जाती। चलो वो उन्होंने कहीं जाना था तो कम से कम एक बारी बता देते, फ़ोन ले जाता। अरे एक बारी अभी भी फ़ोन कर देते तो थोड़ा मन हमारा भी हल्का हो जाता, थोड़ी टेंशन सी कम हो जाती। और आप लोग भी, कुछ लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, बोल रहे कि टेंशन मत लो। और कुछ लोग इतने ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि मतलब उन क्या बोले उनको, मतलब कुछ बोलने के लिए आई नहीं, कि कहाँ उन्हें हमारी हौसला बढ़ाना चाहिए, और कहाँ वो इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि अगर आपके पति खो गए हैं तो आपको बिंदी लगाने का टाइम कहाँ से मिला, आपको सिंदूर लगाने का टाइम कहाँ से मिला। भाई मेरे पति कहीं चले गए हैं, वो मर थोड़ी गए हैं, जो आप इतने गंदे गंदे कमेंट करके। मैं सुहागनों के मैं विधवा बन जाऊँ, ना मैं मांग भरूँ, ना मैं बिंदी लगाऊँ, ना मैं चूड़ी पहनूँ। कैसी लेडीज है इस दुनिया में, पता नहीं क्या कुछ है। कुछ लोग भाई अच्छे भी हैं, अच्छे कमेंट भी करें, अच्छे हौसला भी बढ़ा रहे हैं हमारा कि दीदी आप टेंशन मत लो। तो भाई जो गंदे कमेंट कर रहे, तो मैं तुमसे यही कहूँगी प्लीज़ आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते ना तो बुरा भी मत बोलो। और अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है, हमारा हौसला नहीं बनाना है, तो प्लीज़ वीडियो मत देखो यार। हम जरूरी थोड़ी है यार, हमारी मैंने और मेरे पति ने 3 साल मेहनत की है, तब आप लोगों का प्यार पाया है, आप लोगों को जोड़ा है। हमारा जैसे मेरे पति है, जैसे मेरी फैमिली है, वैसे ही आप लोग मेरे लिए हो, हमारा परिवार हो, अभी हमारी फैमिली हो। मैंने सोचा तो आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करी जाए, आप लोगों को भी पता चलना चाहिए भाई क्या कुछ हो रहा है। जब अभी हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, हम ब्लॉग्स भी नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम एकदम ही ब्लॉग्स बनाना बंद कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या कुछ हो रहा है, इनके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को भी पता चलना चाहिए। तो प्लीज़ गाइज, बहुत मेहनत लगी हमें आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए, हमें अपनी आप लोगों को अपनी फैमिली बनाने के लिए। तो के लिए मतलब आप लोगों को नहीं छोड़ सकते, और ना हम ब्लॉग बनाना बंद कर सकते। कुछ लोग सोचते होंगे कि हाँ इसका पति चला गया, अब देखो ये ब्लॉग बना रही है, इसको इतनी भी नहीं अक्ल। कल से बहुत कमेंट आएंगे ये भी पता है, और मैं कभी भी ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ूंगी, ये मैं आज बता देती हूँ। और मुझे इतना भरोसा है अपने पति पे, मैं इतना विश्वास रखती हूँ कि मेरे पति बहुत जल्दी मेरे पास वापस आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले जाएंगे कहीं, या फिर किसी और के साथ भाग जाएंगे, पर वो अति जल्दी आएंगे, इतनी उम्मीद है मुझे। तो गाइज आप लोग बस सपोर्ट करना, और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करना, और आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखना। और कल से मैं कोशिश करूँगी कि टूटे फूटे जैसे भी ब्लॉग्स बने वो बनाऊँगी। बस आप लोग अपना प्यार देना, और मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि प्लीज़ मेरे पति को जल्दी से जल्दी भेज दो।